ओ हाय गाइस, अभी आने वाले हमारे घर में आज कुछ मेहमान। सो आज मैं सोचा घर पे करते हैं ब्लॉगिंग। सो लेट्स सी कौन आने वाले, ये भी आपको मैं भी मिलाता हूँ उनसे। सो अभी थोड़ा फूड प्रिपरेशन चल रही है तो हेल्प करते हैं मैम की। सो ये रखा है बैटर दाल के पकौड़ों के लिए, और अभी काट रहे हैं प्याज टमाटर लहसुन, और ये बना रहे हैं हम लोग अभी चिकन करी, वो बन रही है अभी पकौड़ी। आज केटी भी आई हुई है। हाय केटी। हेलो केटी। और केटी बिजी है कार्टून में, और केटी भी एक कार्टून है, और हरीश भी जी भी बिजी हैं फोन में केटी की तरह। हाय केटी। आज केटी बहुत बिजी लगता है। तो गाइस केटी आ गई हमारे साथ आज। केटी आ जाइए डिनर के लिए। केटी आई है, मेरी बहन आई है, मेरे जीजू आए हैं, और केटी के दादू और दादी भी आए हुए हैं, है ना? तो आज आज एक ही घर में केटी के दादू भी हैं, दादी भी है, नानू भी है, नानी भी है, मामा भी है, मामी भी है, अधिक भैया नहीं है। हाँ, पर आतिश भी है ना, सैटरडे को आने वाले हमारे घर में और स्लीप ओवर करेंगे, और संडे को जाएंगे क्योंकि उनकी एग्जाम है ना मंडे को, वो लोग इसलिए उनको जाना पड़ता है। ओके गाइस, दिस इज मी कियाना रावत, एंड वी आर इन एट हरीश मामूज हाउस, एंड गाइस दिस इज मी कियाना रावत, व्हाट आई एम देयर शूटिंग। सो एंड हियर तो केटी, आप अपने केटी आप अपने मेंबर से नहीं मिलाओगे? हाँ, तो मिलाओ, चलो फिर चलते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले मेंबर। ब्रश करती है? नहीं, मुस्कुराती है। मुस्कुरा, अच्छा स्माइल करती है, मुस्कुराती है। अच्छा अच्छा, कुछ होता है एकदम फनी चीज तो बहुत मुस्कुराती है, मैं बोल नहीं सकती इसलिए। तो सेवन है दादी। हाँ हाँ, और अभी या एट है नानी, जो एकदम दादी के फ्रेंड है और बहुत बातें करती है एकदम बेड के ऊपर। के बाद मैं हूँ बड़ा मामा, और कियारा आज हमारे घर पे डिनर के लिए आई है। सो हमने आज बनाया कियारा का फेवरेट फूड जो है चिकन करी राइस, और मीठे में केटी को बचपन से पसंद है आइसक्रीम, पर अभी हो रही है बारिश तो हम लोग आइसक्रीम नहीं खा पा रहे, खा रहे तो हम खाएंगे उसका सेकंड फेवरेट जो है रसगुल्ला, जो केटी को बहुत पसंद है। और केटी बचपन में रसगुल्ला को रसगुआ बोलती थी, अभी आई डोंट नो केटी आप रसगुल्ला ही बोलते हो कि रसगुआ बोलते हो? Rasgulla. So now okay, she can speak. Because I was small, so I couldn't say. Yeah, she was small at that, and she was not able to pronounce Rasgulla. She used to pronounce as Rasgua, but now she can pronounce Rasgulla. So that is good. Hi guys, this is me Kiana Rawat, and I'm 6 years old, and this is me. And when I was small, I was so funny, so I can tell the story. So. Here in Palava, so I've shifted to Palava, and I am in Harbinko Mamu's house.
तो केटी आज हमारे घर पे आई है और अभी हम लोग थोड़े से अभी हमने तो पकौड़े खाए, फिर थोड़ी देर में अभी हम खाएंगे चिकन करी, जीरा राइस रोटी और मीठे में हमने आज पहले हम सोचे थे आइसक्रीम रखें पर बारिश की वजह से हमने रसगुल्ला कर दिया। सो मिलते हैं डिनर पे। ओके और ये रहे हरीश मामू, फोन देख रहे हैं। 19.2 और 13 और 8। हाय बोलो। ये लोग कुछ काम कर रहे हैं फोन में, और वो मछली जिसमें मछली है बहुत गर्म, बस तीन ही मछली है क्योंकि बहुत सारे मरे। सब बोलते हैं कि अगर घर में कोई अशुभ या आपदा आने वाली हो तो मच्छी वो अपने ऊपर ले लेती है, और बजाय घर में कुछ बुरा हो मच्छी मरकर वो आपदा अपने पे लेके चली जाती है। सो अभी हम जो अपना टैंक ठीक कर रहे हैं, जैसे कि आप मेरा टैंक देख रहे हो उसमें मुझे थोड़ा मिट्टी डालनी है जो सी सैंड बोलते हैं जिसको। उसके बाद बोलो मिट्टी क्यों डालनी है। मिट्टी से डालनी है कि वो थोड़ा हॉट डेकोरेटिव दिखे पॉट, और उसमें मुझे अभी 2 से 3 मच्छियाँ और डालनी है। तो बाकी तो पॉट एकदम अप टू डेट है, ओनली उसमें मुझे बस थोड़ा सा सी सैंड डालना है। और साथ में मछली कहाँ से मिली? मछली भी वहीं से शॉप से लेके आऊँगा जहाँ पे सी सैंड मिलेगा, वहीं से लेके आऊँगा मछली भी और सी सैंड भी, और थोड़ा डेकोरेटिव 1-2 पॉट लेके आने वाला बस। ओके थैंक यू।